वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों नमस्कार। यहाँ देखिए यूपीएसआई स्पेशल सिलेक्टेड कैंडिडेट मेरे भाई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको सुनाने वाले हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे देख लीजिए बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बात करेंगे हाई कोर्ट की, फिर उसके बाद बात करेंगे आपके रिजल्ट की, उसके बाद आपका मेडिकल, आपका ट्रेनिंग कब होगा। बहुत ही तेज़ी के साथ प्रक्रिया चल रही है। तो मेरे भाई सबसे पहले हाई कोर्ट का जान लीजिए, इसका काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मेरे भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पूरा डाटा, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा लंबा, यहाँ पे देखो अब इंतज़ार करना होगा सुनवाई का। तो भैया अगली जो डेट यहाँ पे लगी 10 अगस्त दी गई है, गई आज है 31 तारीख, 31 मई, और डेट लग गई है 10 अगस्त। इसके पहले आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाओगे। यूपीएसआई की सुनवाई की डेट जो है 10 अगस्त लगी है। तो मेरे भाई इसके पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, और आप लोग ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं डेट लगी है 10 अगस्त। ओ माय गॉड, 10 अगस्त कितना लंबा है। आप लोग ट्रेनिंग पे पहुंच जाओगे, 5 दिन ट्रेनिंग भी कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं डीपीपीएसटी ट्रेनिंग सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब जितने मेरे भाई हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लीजिए, सरकार एकदम फुल एक्शन में है, रिजल्ट आपकी तरफ आना है, मतलब सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट का। ठीक है, सरकार फुल एक्शन में है कि जितने सारे रिजल्ट बन चुके हैं जून में आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। और जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है भर्ती बोर्ड की तरफ से एक्शन और सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है आपके लिए, तो मेरे भाई जो फर्जी वाले उनको तो फिल्टर किया जा रहा है, वो फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्ट वाले बच्चे हैं, जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है, अब जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आप लोग ट्रेनिंग पे कब जाओगे, ट्रेनिंग पे आपको बताने वाले हैं, रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा, और आपका जुलाई फर्स्ट वीक से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी सूचना मिल रही है। इसके पहले देख लेना न्यूज़पेपर में खबर आने वाली है, न्यूज़पेपर में खबर आने वाली है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, न्यूज़पेपर में खबर आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और साथ में आपका जून में कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है फर्स्ट वीक में, और आप सबका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है जून के अंदर ही। ठीक है, जून में किसी भी वक्त 10-15 तारीख के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूपीएसआई का, और आपका तत्काल मेडिकल कराया जाएगा। जुलाई में आपको मेडिकल करा के तुरंत आपको 4-5 अगस्त तक, 1 अगस्त तक आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पे। ठीक है, अगस्त में आपकी प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो जाएगी, सेलेक्ट वाले बच्चे ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सुनवाई 10 तारीख है, इसके पहले सारी की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएंगी, देख लीजिएगा। ठीक, आप लोग ट्रेनिंग पे पहुंच जाओगे तो किसी भी हालत में वैकेंसी रद्द नहीं होगी, सिर्फ जांच हो सकती है, रद्द किसी भी हालत में नहीं होगी। जिनकी ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग करेंगे, किसी भी हालत में उनको सरकार नहीं निकालेगी, आपकी तरफ ही रहेगी। ठीक है, और हाई कोर्ट भी आपको नहीं निकालेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग पे पहुंच चुके हैं वो ट्रेनिंग करेंगे, राइट। अगर निकलेंगे कौन, जो फर्जी किए होंगे सिर्फ उन्हीं को निकाल सकते हैं, जो पेयर वाले कैंडिडेट, तब फिर नहीं निकलेंगे जब तक ट्रेनिंग पे भेज देंगे। ट्रेनिंग पे आप लोग पहुंचने वाले हो, बहुत बड़ी न्यूज़ है, रिजल्ट आने वाला है, मेडिकल होने वाला है, ट्रेनिंग पे पहुंचने वाले हो। हाई कोर्ट तो अब तो भूल ही जाओ कब इसकी सुनवाई होने वाली, 10 अगस्त की पहली डेट लगेगी, अब भगवान जाने 10 तारीख को सुनवाई होगी या फिर दिसंबर में पहुंच जाएगा, तब तो उसको भूल जाइए। अब आपका यही प्रक्रिया बची है, फाइनल रिजल्ट, मेडिकल, देन आपकी ट्रेनिंग। ठीक मेरे भाई, अपडेट आपको देते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बड़ी न्यूज़ आपको सुना दिए हैं, और न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें आने वाली है। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।